तो आइए चले इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये क्वेश्चन है कि थ्री नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, इस रेशियो में दिए हुए हैं, उनका एलसीएम दिया हुआ है और एससीए फिगर आउट करना। ठीक है, वाकई में ना काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इट सीम्स लाइक कि यार क्या करें, राइट? तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो मैं नंबर्स लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप ध्यान से सोच पाए। तो 3:4:5 के रेशियो में नंबर्स है। तो अगर आप रेशियो को देखेंगे ना ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि यार जो भी कुछ कॉमन था वो तो कट गया, राइट? और वो भी नंबर जो कॉमन होगा वो तीनों में होगा, राइट? तो तीनों में एक नंबर होगा जो होगा जिससे रेशियो कट करके बना है, इनका प्रोपोर्शन। और रेशियो तो ऑलरेडी को प्राइम है, तो इसका मतलब एलसीएम इनका तो मल्टीप्लाई करके आएगा। और इनके अंदर जो भी नंबर रहा होगा, मान लो हर एक में एक्स, अगर आप एक्स एक्स समझ लो एक तरीके से, तो एक्स नंबर जो है वो तो हर एक में कॉमन आ गया होगा, राइट? एलसीएम लेने के नीचे टेक्निक क्या है, सेम नंबर उस समय कॉमन आ जाता है। और 3, 4, 5 को प्राइम नंबर को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई। और ऐसा करने पर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बेटा जी 2400। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना बड़े प्यार से, देखिए 5 4 जा होता है 20, 23 जा होता है 60, तो एक्स इंटू 60 हो जाएगा बराबर 2400 के। तो अगर आप डिवाइड कर लेंगे इसको यहाँ पर, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। 6 के टेबल में 24 आता है 4 पर, और 0 का 0। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई सर 40। तो इसका मतलब 40 ये वो फैक्टर है जो तीनों में इंक्लूड होगा, राइट? तो अगर आप एचसीएफ की बात करेंगे तो यार ये 40 नंबर ही तो है जो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, तीनों को डिवाइड कर देगा 40, क्योंकि और तो कोई फैक्टर बन नहीं रहा, कॉमन नंबर ही एक्स और एक्स की 40 है। तो इसका मतलब कॉमन नंबर क्या आपका एचसीएफ होता है, तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, लेकिन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। तो अगर आप सोचिए ध्यान से, तो कॉमन नंबर ही एक्स है ना तीनों में, तो जो कॉमन नंबर है वही तो एचसीएफ होता है, और इसीलिए 40 इज द राइट आंसर। आप इनको मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हैं ना कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 40 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा सर 4 × 40, और ये हो जाएगा 5 × 40। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यार कॉमन क्या है, कॉमन ऑब्वियसली 40, तो 40 इज द नंबर जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है, उससे बड़ा कोई होगा नहीं, तो 40 इज द एचसीएफ। ओके।